हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ मैगी पकोड़ा। यहाँ मैंने लिए एक मैगी का छोटा पैकेट और दो बारीक प्याज इस तरीके से मैंने काट लिए हैं, ये देखिए। और छोटी कटोरी मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, छोटा कटोरा सूजी का लिया है, ये देखिए। और मसालों में लिया है नमक, लाल मिर्च और हल्दी चुटकी भर ली है। तो यहाँ हम जो है थोड़ा, जितना मैगी बनाते हैं उससे थोड़ा ही हमें इसमें पानी डालना है, क्योंकि मैगी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, हमें टाइट मैगी चाहिए। तो मैंने यह थोड़ा सा पानी डाला है। हमें इसमें जो है मैगी जो है उसको, मैगी का पैकेट जो है उसको फाड़ करके डाल दूँगी। और जो इसके अंदर मसाला होता है फ्रेंड मैगी का, इसका आधा ही हम मसाला इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। तो इस तरीके से मैं इस पे डाल दूँगी पानी में। देखिए फ्रेंड, पानी मैंने बहुत ही ज़्यादा कम लिया है। तो हमें मैगी को जो है टाइट ही रहने देना है, ज़्यादा इसको गीला नहीं रहने देना है। तो अब मैंने इसे डाल दिया और थोड़ा थोड़ा जो है इसे मैं तोड़ दूँगी। अब मैं जो है इसे गैस पर रख दूँगी। तो अब मैं फ्रेंड इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा मैगी मसाला, थोड़ा सा जो मैगी मसाला मैं रहने दूंगी इस पैकेट में। तो इस तरीके से मसाले को डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा मैगी जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हमें चाहिए मैगी, ज़्यादा गीला नहीं चाहिए। तो अब मैं जो है एक बाउल में प्याज डालूंगी, फिर डालूंगी मैं सूजी, बेसन और सभी मसालों को मैं इसमें डाल दूंगी। सभी मसालों को डालने के बाद जो है मैं इसमें डालूंगी मैगी। तो मैगी हमारा काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो मैं इस तरीके से चम्मच से जो है डाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड, आपको दिखाई दे रहा होगा मैगी जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो हमें ऐसे ही इसको डाल लेना है। तो कट बॉल में डालने के बाद जो है इसमें मैं जो मसाला बचाया था मैंने पैकेट में, वो मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसे हल्के हाथों से धीरे धीरे मिक्स करना है, क्योंकि आप भी जानते हैं फ्रेंड्स, जो मैगी है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो इस तरीके से, और हमें इसमें पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैगी जो है सभी सामग्री मैगी के साथ मिक्स हो जाती है। तो इस तरीके से मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से हमने देखी कितने अच्छे से मिक्स कर लिए। और कढ़ाई भी मैंने चढ़ा दी है, तो कढ़ाई में मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से पकौड़े बना करके हमें इसमें डाल देने हैं और गैस की फ्लेम को हल्का ही रहने देना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है, अच्छी तरीके से, ताकि जो है ये पकौड़े बन सके और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं फ्रेंड, और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी होते हैं। देखिए इसका कलर जो है कितना अच्छा बन लग रहा है, ये देखिए फ्रेंड। तो अब मैं जो है इसको निकाल दूंगी। इसी तरीके से फ्रेंड मैं दूसरे का पकौड़ों को भी तल दूंगी, ये देखिए। तो बहुत ही झटपट बन जाते हैं। लो फ्लेम में ये रहता है कि अंदर से भी अच्छे से पक जाते हैं, हाई फ्लेम में कोई भी पकोड़े जो है अच्छे से नहीं पक पाते हैं। तो लो फ्लेम में क्रिस्पी होने तक अच्छे से पकाएं, क्योंकि इसमें सूजी क्रिस्पन देने के लिए इसमें सूजी जो होता है, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला। तो देखिए फ्रेंड, हमारा जो पकोड़ा है वो बन चुका है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो बस आपको मेरा अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।